ओए पुत्तर तेनु सेब चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं। और प्लीज पुत्तर एक तो खा ले। मुझे आलू तो परोठा चाहिए। तुम क्यों झगड़ा करता देवी? पापा तो मैकडोनल्ड्स के फ्राइज खा रहे हैं। फ्राइज चाहिए। बेटे को भी वही चाहिए। तेनु फ्राइज लेकर अंदर आना जरूरी था क्या? लाओ मैनु दो ये। अयो लगता है माँ को कुछ शैतानी सूझी है। अगर आपको बच्चे को कुछ हेल्दी खिलाने में मुश्किल हो रही है तो उसे किसी जंक फूड की शक्ल दे दीजिए। बस सेब को छोटी स्लाइसेस में काटिए ताकि वो बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज की तरह लगे और सब कुछ मैकडोनल्ड्स के पैकेट में रख दीजिए। और ये ले पुत्तर, अब तू मजे से खा। वाह कितना टेस्टी है बेबे। आयो हमारा फ्राइज ले लिया, हमको भी दे दो देवी। अरे ये तो सेब है। मुंह बंद रखो स्वामी। ठीक है देवी। वाह फ्राइज खत्म। तुम्हारा जवाब नहीं बेबे। बेबे बेबे जल्दी आओ ना। अयो रामा क्या हुआ बेटा जी, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? बेबे को बुला कर लाओ अप्पा। आयो हमको देवी को जगाना पड़ेगा। डैड जानते हैं कि बीच रात में मॉम को जगाना यानी खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अयो रामा नहीं ऐसा नहीं करेगा बेटा जी, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। एक मिनट कार्डबोर्ड, हमको एक बढ़िया आइडिया आता जी। पोटा तो सो भी गया। ये कौन है? अरे ये तो डैड ही है। इन्होंने मम्मी के चेहरे का प्रिंट आउट लिया और उनका ये आइडिया काम कर गया। बहुत अच्छे स्वामी जी। आयो हमारा पीठ गया जी, हमको मसाज कर दो देवी, बहुत ही दर्द हो रहा है। अभी नहीं स्वामी, घर की सफाई बाकी है, तुम थोड़ी देर रुको। ए बेटा तुम अपने अप्पा की पीठ का मसाज कर सकता है। एक मिनट, खिलौना का शर्ट, हमारे पास एक प्लान है। बेटा हमको यहाँ लेटने दो, हमारा पीठ देखो। ये क्या है? डैड ने अपनी टी शर्ट की पीठ पर रोड्स बना दिए हैं। अब बेटा अपनी गाड़ियों से खेल सकता है और डैड की मसाज भी कर सकता है। ओके स्वामी मेरी सफाई हो गई। अरे वाह स्वामी तुम्हारे दिमाग दा जवाब नहीं, शानदार। गुड नाइट पुत्र, बढ़िया सपने देखना। लो ये रहा तुम्हारा बनी। बत्ती बंद कर रही हूँ पुत्र जी, इतने अच्छे से सुलाने के बाद भी अंधेरा काफी डरावना हो सकता है। नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है बेबे। और क्या हुआ पुत्र, मैं हूँ ना तुम्हारे नाल। उफ अब क्या करूँ, तुम लाइट्स ऑन करके तो सो नहीं सकती। एक मिनट, सितारे, पानी की बोतल। मॉम को बेहतरीन आइडिया आया है, अब वो क्या करेंगी? इसके लिए चाहिए प्लास्टिक की खाली बोतल, उसके अंदर कुछ लाइट्स लगा दीजिए। अब टेप लीजिए और उसे बोतल पर चिपका दीजिए, उसे निकालिए। आपको मिल गई एक चिपचिपी बोतल। अब आप उस पर कपास चिपका सकती हैं। दोनों तरफ चिपका दीजिए और देखिए बन गया एक नाइट लैंप। किसी छोटे से बादल जैसा लग रहा है ना, कितना क्यूट है ना जी। बस कुछ सितारे जोड़ दीजिए जिससे ये रात के आसमान जैसा दिखेगा। ओके पुत्र अब हम कर देते हैं लाइट्स बंद। नहीं मुझे डर लग रहा है बेबे। कोई नहीं पुत्र, वो बादल है ना रक्षा के लिए। क्या बात है, कमरे में आसमान आ गया, कितना सोना लग रहा है ना। अब तुम आराम से सो जाओ पुत्र। हाँ अब लड़की को जरा भी डर नहीं लग रहा। ओ स्वामी देखो मैंने की बनाया सी। वाह हमारे कमरे में भी एक लगाना मांगता देवी, चलो अब सोते। ला 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 ला। ओ अरे नहीं अप्पा। आयो कोई नहीं बेटा, ये लो। पापा ने देखा भी नहीं। रुक जा पुत्र, गंदी लॉलीपॉप अपने मुंह विच ना डाल। तुसे क्या कर रहे हो जी? आयो ये पहले गंदी नहीं थी देवी। वाहे गुरु मैं की करा, तुम दोनों भी ना रुको, मैं ही कुछ करती हूँ। मुझे पता है ये दोनों साथ काम कर सकते हैं। अच्छा समझ गई। मेरी लॉलीपॉप। मॉम वापस आ गई और वो अपने साथ लाई है एक नया लॉलीपॉप। पर पहले नए लॉलीपॉप को किंडर सरप्राइज कैप्सूल में डाल दें। अगर खाना नहीं है तो बस इसमें बंद कर दें। सिंपल है ना? ओके। अरे पुत्र कैप्सूल को मत चाट, खोल उसे। अपने बच्चे की कैंडी साफ रखने का बढ़िया तरीका है। अब ये जहाँ चाहे वहाँ कैंडी छोड़े और उस पर कुछ नहीं चिपकने वाला। अयो बाहर घूम कर कितना मजा आया। अयो अयो ये तुम्हारे बाल को क्या हुआ, कितना गंदा हो गया है। उफ ये ठीक नहीं, हमको चलकर तुम्हारा बाल धोना पड़ेगा। अपना फोन नीचे रखो बेटा। नहीं मेरा गेम चल रहा है अप्पा। पर हमको तुम्हारा बाल धोना, लाओ ये हमको दे दो। नहीं अयो मर गया।
अरे नहीं, स्वामी जी तो गिर गए। लगता है उन्हें अभी अभी एक दिलचस्प आइडिया आया है। लगता है वो बाल धोकर रहेंगे। अब बाल काफी साफ है दिखता। क्या बात है, स्वामी जी का जवाब नहीं। अब ये बिना फोन छीने अपनी बेटी के बाल धो सकते हैं। मान गए अप्पू स्वामी। अपने फेवरेट गेम को खेलते हुए काफी मजा आता है। अरे नहीं, लगता है उसने अपना कमरा साफ नहीं किया। आइयो बेटा, ये क्या किया? अब रूम साफ करो, उसके बाद हम भी खेलेगा। मुझे सफाई नहीं करनी। आइयो, हमको कुछ नहीं सुनना, सब साफ करो अभी के अभी। ठीक है। बेटे ने अपने खिलौने साफ कर दिए, पर इसमें काफी वक्त लग सकता है। बास्केटबॉल बास्केट। लगता है डैड को सब कुछ आसान बनाने का आइडिया आया है। आइयो, हमको पता कि हमको क्या करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सब जमा कर रखे, तो बस बास्केटबॉल बास्केट के नीचे एक बास्केट रखिए और बस खेलना शुरू कीजिए। वाओ, इस तरह खिलौने जमाना काफी आसान हो जाएगा और बिखरा कमरा फटाफट जम जाएगा। बहुत बढ़िया अप्पा। पेंटिंग करने में कितना मजा आता है ना, पर उससे सब कुछ गंदा भी हो जाता है। पर बच्चों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक उन्हें मजा आ रहा है वो अपने कपड़ों को भी पेंट कर सकते हैं। ये कितना मजेदार है। मजेदार तो है, पर मॉम देख लेंगी, उसके बाद पता चलेगा। चलो, सब साफ हो गया। वाहेगुरु। अरे नहीं, रुको रुको, देख तूने अपनी टी शर्ट का क्या हाल कर लिया पुत्र। तुम्हें पेपर पर ड्रॉ करना चाहिए। वाहेगुरु, अब की करा। कचरे का बैग, ओए आ गया, बढ़िया आइडिया मेनू। मॉम कचरे की थैली के साथ क्या कर रही है? ओके, जरा एक मिनट पुत्र, बस हो गया। देखा, वाह, मॉम ने तो कचरे की थैली से एप्रन बना लिया। कितना बढ़िया फैसला है। अब बिटिया बिना डरे पेपर और अपने कपड़ों पर रंग पोत सकती है। वैसे ये तरीका ज्यादा मजेदार भी है। अरे वाह पुत्र, तुम्हारा कमरा कितना साफ है। बल्ले बल्ले। ओए एकी, अलमारी से क्या निकल रहा है? मैनू जांच करनी पड़ेगी। कुछ नहीं है बेबे, आपको देखने की जरूरत नहीं है। हट परे पुत्र, मुझे देखने दे। मॉम को अलमारी में क्या दिखेगा? अरे नहीं, तू मैनू बेवकूफ बना रही सी। चल सब फोल्ड कर। बच्चे अपने कमरे को साफ रखने में माहिर नहीं होते। ओए पुत्र, ऐसे नहीं करते। चल मैं सिखाती हूँ इन्हें कैसे तय करके रखना है। अरे देखो, कार्डबोर्ड एक बढ़िया आइडिया है। क्यों? अब चलो, कार्डबोर्ड पर शर्ट को रखो और उसे ऐसे रखो। वाह, मॉम ने शर्ट फोल्ड करने के लिए कार्डबोर्ड का सही इस्तेमाल किया है। अब तुम कोशिश करो पुत्र, कितनी फायदेमंद चीज है। लगता है लड़की को ये काफी अच्छे से आ गई है। वो तूने कर दिखाया पुत्र, बहुत बढ़िया। अयो देवी, क्या तुम हमारा? इधर आओ अप्पा, मुझे दो, मैं घड़ी करके देती हूँ। स्वामी जी को अपने कपड़े फोल्ड करने में मदद की जरूरत है और अब उनकी बेटी इस काम में एक्सपर्ट हो गई है। ये सब हुआ है मॉम की बदौलत। हो गया, ये लीजिए डैड। अरे वाह, शुक्रिया देवी। चलो कम से कम अब अलमारी साफ सुथरी तो रहेगी। जी वाहेगुरु, ये लड़की कितना वक्त लगाती है। उफ, अब मैं जा सकती? अरे इसके पैर पर टॉयलेट पेपर क्यों चिपका हुआ सी? भाई गुरु, बाथरूम तक की हाल बना दिया बदमाश ने। जाहिर है कि उसे नहीं पता कि कितना पेपर इस्तेमाल करना चाहिए और उसने कुछ ज्यादा ही फाड़ दिया। ओ जी भाई गुरु, कैसे समझाऊं बच्चे को। अरे नहीं, गिर गया। अब आया है धांसू आइडिया। अपने बच्चे को टॉयलेट पेपर की सही मात्रा इस्तेमाल करना सिखाने के लिए बस उसके बगल में एक मजेदार निशान लगा दीजिए। इस तरह बच्चा समझ जाएगा कि उसे कहां तक फाड़ना है। मुझे भी ट्राई करना है बेबे। अब तुसी ये निशान देखो। बढ़िया, अब तुसी समझ गए हो पुत्र जी। चलो कम से कम बाथरूम तो साफ रहेगा। छोटे बच्चों के लिए अपने दांत ब्रश करना बहुत जरूरी होता है और कभी कभी सबसे आज्ञाकारी बच्चों को भी सही राह दिखाने की जरूरत पड़ ही जाती है। अरे नहीं, सब जगह गिर रहा है, इतना टूथपेस्ट काफी है। चलो हम चलने को तैयार है, मैं बस कपड़े धो रही सी। अरे नहीं, संभाल कर मॉम, ओफो काफी लगी होगी। ओ जी वाहेगुरु, कमर तोड़ दी मेरी। मेरे कपड़ों का हाल तो देखो, सब टूथपेस्ट में ढक गए। सुनो पुत्र, अब खेलना बंद करो और तैयार हो जाओ एक मिनट में। मैं ये यूज कर सकती हूँ? बेबे मुझे अपना पॉपिट वापस दो। अब मॉम ने क्या आइडिया लगाया है? ब्रश करने का वक्त हो गया है। एक मिनट पुत्र, तू ये टूथपेस्ट वापस रख, मैं बताती हूँ कि कितना टूथपेस्ट लेना है। देखो मेरे पास क्या है। टूथपेस्ट को पॉपेट में भरी और जरूरत पड़ने पर प्रेस करके निकाल लीजिए। अरे वाह, ये तो मेरा पॉपेट है। देखा, न ज्यादा टूथपेस्ट निकला न कम। सच में बेबे तुसी ग्रेट हो। मैंने गाजर का हलवा तो बनाया नहीं। अरे पुत्र, ऐ
जाएगी। मुझे ये कारपेट चाहिए। $999 का है। प्लीज बेबी दिला दो ना। आयो रामा। पर ये बहुत महंगा सी पुत्र, तुम्हें सच में चाहिए? नहीं, इतना पैसा नहीं है देव। कुछ तो करो स्वामी, अगर दिमाग में क्रिएटिविटी की कमी नहीं तो पैसे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर टेप, आइयो हमको बढ़िया आइडिया आया। डैड को तो देखो, वो टेप की मदद से खिलौना कार्स के लिए सड़क बना रहे हैं। आइयो हमारे दिमाग का जवाब नहीं। देखो दोनों कितना एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाया और कितना पैसा बचा लिया। डैड भी गेम पूरा एंजॉय कर रहे हैं, शायद उन्हें अपने बेटे से ज्यादा मजा आ रहा है। आराम से खेलो डैड, दिल से तो हम सब बच्चे ही है ना। बेटा तो एंजल की तरह सो रहा है, पर एक बुरे सपने ने बेचारे को जगा दिया। क्या अलमारी में राक्षस है? बेबे, बेबे जल्दी आओ। मुझे क्या हुआ पुत्र जी? मेरी अलमारी में राक्षस है बेबे। चलो लाइट ऑन करते हैं। देखो पुत्र, डरने जैसी कोई बात नहीं है। मुझे डर लग रहा है बेबे। जी वाहेगुरु, मैं की करा स्प्रे। अरे वाह, एकदम चकदे फट्टे आइडिया है, राक्षस को भगाने के लिए बनाइए राक्षस नाशक स्प्रे। बस स्प्रे की खाली बोतल लीजिए और उस पर कुछ मजेदार स्टिकर चिपकाइए। अब उसमें भर दीजिए पानी और बोतल पर लिखिए राक्षस स्प्रे। चलिए अब राक्षसों को भगाया जाए। उल्लेह पुत्र, स्प्रे की बोतल, एक दो तीन, छोड़ना मत पुत्र, स्प्रे कर। जब आपके पास सामना करने के लिए हथियार होता है तब राक्षस इतने डरावने नहीं लगते। तुम क्या करता जी? हम राक्षस भगा रहे अब्बा। आइयो हमको डर लगता जी, हमको भी दो ना। कभी कभी बड़ों को भी राक्षसों से डर लगता है। बहुत बढ़िया काम किया दोस्तों। पेरेंट्स को हमेशा सजग रहने की जरूरत है। वाहेगुरु, नीचे रख उसे, तुसे दीवार पर पेंटिंग नहीं कर सकती पुत्र, ये ठीक नहीं है। तुम तो मेरी बात नहीं सुन रहे हो स्वामी। संभल कर, अब मैडम कारपेट पर कलाकारी दिखाने वाली हैं। ओए बस कर पुत्र जी, मैंने मना किया ना। रुको देवी, हमें कुछ करना, लो इस पेपर पर बनाओ तुम। कोशिश अच्छी थी स्वामी जी, पर आपकी बेटी को पेपर पर पेंटिंग बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो दीवारों पर ही बनाना है। लगता है पापा को मुश्किल का हल मिल ही गया। ये टेबल लेकर उसे पलट रहे हैं। उसके बाद प्लास्टिक रैप लेकर टेबल की टांगों के आसपास लपेट रहे हैं। अरे वाह, देखो हो गया। अब बस इसे दीवार के पास रख दो जी। वाओ। अब लड़की प्लास्टिक पर ड्रॉ कर रही है जो बिल्कुल दीवार जैसी लग रही है। ये पेपर पर ड्रॉ करने से बेहतर है ना? बस थोड़ा सा दिमाग लगाया और घर बन गया चकाचक। तो देवी हमारे दिमाग का जवाब नहीं है ना? अरे स्वामी, तोड़ी पैंट को तो देखो क्या हाल बना दिया शैतान ने। उफ, लगता है नकली दीवारें भी काफी नहीं थी। लड़की भी पापा की तरह काफी दिमाग लगाती है। होए पुत्र, ये की कर दिया सी।